पूछते रहते हैं कि जल्दी निकल जाना है, तो देर तक काम करने देने वाला स्प्रे कोई बताओ, या ऑयल बताओ, या मलम बताओ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को है। आज कम से कम 30% लोगों को, मतलब 100 में से 30 पुरुषों को जल्दी निकल जाने का प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा प्रमाण है। पहले नहीं था, अब ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंजाइटी, सोशल मीडिया, सेक्स वीडियोस, इसके माध्यम से काफी सारा एक्साइटमेंट भी आ रहा है और उसकी वजह से जल्दी गिर जाता है। तो लोग पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, कौन सा स्प्रे वापरना चाहिए। तो मैं रेकमेंड जो करता हूँ वो हरदम लाइडोकेन और प्राइलोकेन, ये दो मिला के जो स्प्रे आता है, फिर नाम कोई भी हो जाए, वो स्प्रे आपने यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कारगर स्प्रे है। लाइडोकेन प्राइलोकेन का कॉम्बिनेशन वाला स्प्रे, यदि स्प्रे या फिर उसका ऑइंटमेंट आता है तो ऑइंटमेंट आपने क्या करना है कि वो ऑइंटमेंट थोड़ा लेने का है, और वो समझो ऐसा लिंग है तो पूरा चमड़ी पीछे करके पूरे लिंग को सामने से पीछे तक लगाने का। ज्यादा सेंसेशन जो रहता है वो रहता है ग्लांस पे, मतलब सामने जो सुपारी जैसा पोर्शन रहता है वहां ज्यादा सेंसेशन रहता है, तो वहां थोड़ा सा ज्यादा लगाने का है, थोड़ा पीछे लगाने का है, और पूरा लगाने का, मतलब मालिश नहीं करना है, मसाज नहीं करने का, सिर्फ लगाने का है। लगाने के बाद में कम से कम उसको 5-10 मिनट छोड़ देने का है एक्शन आने के लिए, और एक 5-10 मिनट के बाद में उसके एक्शन आना चालू हो जाता है, पेनिस नम हो जाता है, कोई सेंसेशन रहता नहीं है। बाद में फिर आप उसको धो सकते हैं, पानी से, साबुन से धो सकते हैं, ताकि फिर ओरल भी करना है तो कर सकते हैं। स्प्रे या मलम उसके ऊपर है तभी भी आप सेक्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, फिर मगर ओरल करेंगे तो प्रॉब्लम आता है। जिनको जिनको जल्दी निकलने का प्रॉब्लम है वो ये स्प्रे 10 मिनट पहले लगा सकते हैं। यदि आप इसके पहले दवाई लेते हैं जल्दी ना निकलने की, जिसमें SSRI है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअप्टेक इनहिबिटर्स, वो लेते हैं तो, और क्लोमिप्रामिन जैसी दवाई है, फिर रेस्पिरेडॉन में कोई प्रिस्क्राइब करता हूँ, ऐसी कोई दवाई आप लेते हैं तो डेफिनेटली जल्दी निकलना थोड़ा सा लेट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप यदि स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक, स्क्विज टेक्निक ये भी इस्तेमाल करते हैं, कीगल एक्सरसाइज, तो उससे भी फायदा होगा। मगर कारगर जो है ये मरम है, स्प्रे है, प्लेन जो थायरोकेन है या लिग्नोकेन है प्लेन, तो वो भी आप लगा सकते हैं 5%, मतलब 5% वाला थायरोकेन लिग्नोकेन आता है वो लगा सकते हैं, मगर वो इतना कारगर नहीं जितना कि ये है। तो 10 मिनट पहले लगाओ, 10 मिनट में उसकी एक्शन आ जाएगी, बाद में पेनिस को धो डालो, बाद में रेगुलर सेक्स करो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, और धोया नहीं और वैसा भी सेक्स किया तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये यदि मलम आप स्त्री को लगाते हैं जिसको दर्द होता है, स्पाजम्स आते हैं, दर्द होता है, तकलीफ होती है, उनको भी यह लगाते हैं मलम या स्प्रे, तो उनको भी तकलीफ होंगी नहीं, और आराम से इंटरकोर्स हो सकता है बिना दर्द का। बहुत ही अच्छा स्प्रे है, कॉम्बिनेशन है, मरम है, आप दोनों भी लगा सकते हैं और आपका सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। जिनको जिनको मैंने ये स्प्रे या मलम बताया, उन्होंने ये बताया कि उनका टाइम 10 से 15 मिनट तक बढ़ गया, मतलब पहले 1 या 2 मिनट में निकल जाता था, अभी 10 से 15 मिनट तक वो सस्टेन कर पाते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है स्प्रे लगाने के बाद में भी नहीं होता है, तो आप पहले हस्तमैथुन कर लो, मास्टरबेशन करके पहले निकाल लो, बाद में फिर दवाई खाओ, स्प्रे लगाओ और बाद में करो, डेफिनेटली आपको फायदा हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वो तमाम लोगों को शेयर करो। जो लोग बोलते नहीं है कि हमको जल्दी हो जाता है, मगर उनको है, शर्म के मारे बोलते नहीं है, तो लोगों को बिना दिक्कत ये स्प्रेड करो, लोगों को अच्छा लगेगा, लोग अपना सेक्स लाइफ अच्छा एंजॉय कर पाएंगे। Thank you very much.